हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित फॉर गोल्डन हार्ट। आज हम बात करेंगे धन संपत्ति के मनोविज्ञान की, जिसकी हम शुरुआत करते हैं एक सच्ची छोटी कहानी से, जो कि शुरू होती है लॉस एंजलस के एक बढ़िया शानदार होटल से, जहां एक वक्त एक तकनीकी कार्यकारी गेस्ट के रूप में अक्सर आया करता था। वह काफी प्रतिभावान था। उसने लगभग 20 साल से कुछ ही अधिक की उम्र में वाईफाई का एक मेन कंपोनेंट डिजाइन कर पेटेंट किया था। वह कई कंपनियां शुरू करके बेच चुका था और बेतहाशा कामयाब था। एक्चुअली धन संपत्ति के साथ उसका जो रिलेशन था, उसे मैं असुरक्षा और बचकाना पागलपन कहूँगा, क्योंकि वह एक नोटों की गड्डी जेब में लिए फिरता और सबको दिखाता, जो उसे देखना चाहते थे उन्हें भी और जो नहीं देखना चाहते थे उन्हें भी। वह बिना किसी खास वजह के अपनी अमीरी की खूब डींगें मारता, खासकर जब वह नशे में धुत होता। एक दिन उसने होटल के एक वेटर को कई हजार रुपये की रकम दी और कहा, जाओ इनसे सोने के सिक्के ले आओ। फिर क्या था, थोड़ी देर बाद वो उन सोने के सिक्कों को लेकर अपने नशेबाज दोस्त, जो कि दूसरों के पैसे पर मजे किया करते थे, लेकर प्रशांत महासागर की ओर निकल जाता है। वहां वो लोग एक दूसरे के साथ बहस करते हुए कि किसका सिक्का ज्यादा दूर जाएगा या उछलेगा, ये देखने के लिए सिक्का फेंकना शुरू कर देते हैं। बड़ी अजीब बात है ना, ये सब सिर्फ कुछ पल के मनोरंजन के लिए कोई ऐसा भी करता है क्या। फिर कुछ दिनों बाद यूं हुआ कि होटल का एक VIP लैंप उसके हाथों टूट जाता है। होटल के मैनेजर ने इस पर जब कहना शुरू किया तो उस गेस्ट को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी जेब से एक मोटी गड्डी निकाली और कहा, ये पकड़ो और अपना मुंह बंद रखो और फिर कभी दोबारा मेरे सामने मत आना। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह का व्यवहार कब तक चल सकता था, और हाँ, इसका जवाब है ज़्यादा दिन नहीं, कई वर्षों बाद मुझे पता चला कि वो अमीर आदमी दिवालिया हो गया। मैं आज जो बताने जा रहा हूँ उसका आधार यह है कि आप अपनी धन संपत्ति को कितने अच्छे से मैनेज करते हैं। यह इस पर कम निर्भर करता है कि आप कितने होशियार हैं, और इस पर ज़्यादा कि आपका बिहेवियर कैसा है। और ये बिहेवियर सीखना या सिखाना इजी नहीं है, उनके लिए भी जो वाकई स्मार्ट हैं। हाँ, आगे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई स्मार्ट पर्सन जो इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वह फाइनेंशियल तौर पर अपनों के लिए खतरा साबित हो सकता है। इसके अपोजिट एक सामान्य व्यक्ति जिसे धन की कोई खास जानकारी नहीं है, धनी हो सकता है। दरअसल धन संपत्ति को अर्जित करने के लिए बस मुट्ठी भर कौशल और व्यवहार की जरूरत है। देखिए, पैसा वो नहीं है जो आप कमाते हैं, बल्कि पैसा तो वो है जो आप सहज कर रख पाते हैं। जी हाँ, पैसा कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको संभाल कर रखना उतना ही मुश्किल है जितना कि उसे कमाना आसान है। इस पर एक बात यह भी है कि अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना ये थोड़ा मुश्किल है। चलिए आगे चर्चा करते हैं इस बात पर। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक्चुअली आज हम बात कर रहे हैं टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस। शायद हमारी आज की चर्चा पर नेपोलियन का एक कोट बड़ा ही फिट बैठता है, एकदम सटीक। एक प्रतिभावान व्यक्ति वह है जो एक सामान्य काम कर सके जब उसके चारों ओर तरफ लोग अपना आपा खो रहे हों। और हाँ, एक बहुत ही चर्चित वाक्य है, संसार बहुत ही स्पष्ट चीज़ों से भरा हुआ है और जिन पर कोई भी ध्यान नहीं दे पाता। ये जो घटना या कहानी है मैंने आपको जो बताई है, इस तरह ना जाने कितनी ही घटनाएं हमारे आसपास घटित होती रहती हैं। फर्क बस ये है कि उन पर हम ध्यान ही नहीं दे पाते जब तक कि वो किसी बड़ी चर्चा का विषय ना बन जाए। और हाँ, एक और बात, जो लोग इस वीडियो में यहाँ तक देखते हुए आए हैं, यकीन मानिए आप जिंदगी में बहुत कुछ सीखेंगे, तो बने रहिएगा आखिर तक। ये धन संपत्ति का मनोविज्ञान, हम इस विषय पर थोड़ी और खास चर्चा करेंगे कि कैसे एक मामूली आदमी बहुत अमीर बना और जिंदगी के आखिर में न्यूज हेडलाइंस का हिस्सा बना। और आज मैं आपको दो चीजें डेडिकेट करूंगा, एक मूवी और एक बेस्ट बुक जो वास्तविक तौर पर आपकी जिंदगी को एक नया आयाम देगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्कूल और कॉलेज के दौरान जो हमें धन संपत्ति से संबंधित पढ़ाया जाता है,
दरअसल वो आंकड़ों के रूप में होता है। वहाँ पर डाटा नंबरों में होता है जो एक फार्मूले के हिसाब से चलता है, जिसके लिए कोई ना कोई सूत्र होता है। लेकिन वास्तविक ज़िंदगी में इसकी शक्ल कुछ और ही होती है, जिसमें बचत और खर्चों का तालमेल होता है, जो कि हमारे व्यवहार से सीधा प्रभावित होता है। तो जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा था कि एक आम आदमी कैसे अमीर बना, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोनाल्ड जेम्स रीड की, जो कि एक अमेरिकी जनहितेशी निवेशक, जेनेटर और गैस स्टेशन परिचर थे। उनका जीवन इतना सामान्य था जितना किसी का हो सकता है। रीड ने 25 वर्षों तक एक गैस स्टेशन में कारों की मरम्मत की और 17 वर्षों तक JCPenney में फर्श पर झाड़ू लगाए। 38 वर्ष की उम्र में उन्होंने $12,000 में एक 2 बेडरूम वाला घर खरीदा और अपना पूरा जीवन वहीं बिताया। 50 साल की उम्र में उनकी पत्नी की डेथ हो गई और फिर दोबारा उन्होंने शादी नहीं की। ये बात सन 2014 की है, जब 92 वर्ष की उम्र में उनकी डेथ हो गई और तब जाकर इस विनीत परोपकारी इंसान ने सुर्खियां रची। डेथ के अगले दिन वो न्यूज हेडलाइंस का हिस्सा बने। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ, हम बताते हैं ना। जब उनकी अंतिम संपत्ति की खबर न्यूज में आई कि अपनी वसीयत में बच्चों के लिए $2 मिलियन और स्थानीय अस्पतालों में पुस्तकालयों के लिए $6 मिलियन छोड़ गए, जो रीड को जानते थे वो चकराए हुए थे, उनके पास आकर इतना सारा पैसा कहाँ से आया। बाद में पता चला कि इसमें कोई भी रहस्य नहीं था। रीड ने जितना संभव था उतनी बचत की और वह पैसा ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। फिर उन्होंने दशकों तक प्रतीक्षा की, जब तक वह छोटा सा निवेश राशि बढ़कर $8 मिलियन में बदल गए। इसके अलावा एक रिचर्ड पुष्कर नाम का व्यक्ति, वह सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं था। हॉवर्ड से MBA डिग्री की थी और उसने फाइनेंशियली इतनी सफलता प्राप्त की कि लगभग 40 की उम्र में ही रिटायर्ड हो गया और जनहितेशी बन गया। लेकिन फिर ठीक सोने के सिक्के उछालने वाली तकनीकी कार्यकारी की तरह सब बिखर के रह गया। 2000 के पहले दशक के बीच फुस्कोन ने ग्रीन बीच कनेक्टिकट में एक 18,000 वर्ग फीट के घर को विस्तार करने के लिए जमकर कर्जा लिया। इस घर में 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैराज थे और इस घर के मेंटेनेंस का मंथली खर्चा $90,000 से भी अधिक था। फिर 2008 का वित्तीय संकट आ पड़ा। इस क्राइसिस ने एक्चुअली सभी की आर्थिक स्थिति को चोट पहुंचाई। इसने फुस्कोन को पूरी तरह मिट्टी में मिलाकर रख दिया। बहुत ज्यादा कर्जा और कैश मनी की कमी ने उसे दिवालिया बना दिया। वो मकान जिसमें देर रात पार्टियां होती थी, वो आलिशान बंगला इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अनुमानित लागत से 75% कम की राशि में नीलाम कर दिया गया। रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे और रिचर्ड फुस्कोन लालची, बस इतना काफी था दोनों के बीच के शिक्षा और अनुभव के विशाल अंतर को ग्रस्त करने के लिए। यहां शिक रोनाल्ड की तरह ज्यादा या रिचर्ड की तरह कम बनने की नहीं है। हालांकि यह भी कोई बुरी सलाह नहीं है, हाँ ये कोई बुरी सलाह भी तो नहीं है। इन कहानियों की दिलचस्प बात यह है कि वित्त के संबंध में कितनी अनोखी है। नॉर्मली हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें प्रोफेशनल वकील, डॉक्टर, रसायनज्ञ दिए या हमें बनाया है, लेकिन क्या हमें अपने व्यक्तिगत वित्त में बेहतर होना सिखाया है? क्या कर्ज डूबने की हमारी संभावना कम हुई, या फिर क्या हम बुरे दिनों के लिए बचत करने के लिए अधिक योग्य हैं, या सेवानिवृत्त होने को या रिटायर्ड होने को अधिक तैयार हैं, या फिर धन दौलत हमारे सुख के लिए क्या करती है और क्या नहीं, कि इस बारे में हमारे विचार यथार्थवादी हैं? मुझे तो नहीं लगता। अकॉर्डिंग टू मी ऐसे होने का कारण ये है कि हम धन दौलत के बारे में जो सीखते हैं, सोचते हैं, वह बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम भौतिक विज्ञान सीखते हैं, नियमों और विधियों के साथ, और ना कि मनोविज्ञान की तरह भावना और बारीकी से। और यह मेरे लिए उतना ही दिलचस्प है जितना कि आवश्यक। इसके अलावा मैं आज आपको एक मूवी जिसका नाम रफ बुक है डेडिकेट करता हूँ। यह मूवी पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम को मॉडिफाई करने का बढ़ावा देती है। आपको एक बार इसे जरूर देखना चाहिए। और हाँ, अगर मैं बुक की बात करूँ तो साइकोलॉजी ऑफ मनी इज द बेस्ट बुक फॉर यू। डेफिनेटली इट विल चेंज योर लाइफ, सो डोंट फॉरगेट टू रीड एंड वॉच। और इन्हें एक्सपीरियंस करने के बाद रुके नहीं, बल्कि दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान ना बांटने से बढ़ता है। अपनी नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, ना कि सिर्फ सीखते रहें। इस वीडियो में
अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अपनों के साथ जरूर शेयर करें। मैं तो ये कहूँगा कि दूसरों के हित के लिए भी इसे शेयर करें। और आखिर में एक बार फिर से आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए हृदय के अनंत कह रहे हैं, उसे बहुत बहुत धन्यवाद।